कृषि भवन हमीरपुर के सभागार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण परियोजना निदेशक द्वारा कृषि आदान व्यवसायियों के लिए कृषि प्रसाद सेवाएं संबंधी चलाए जा रहे हैं। एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सत्र के शुरू में परियोजना निदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने सर्वप्रथम उपस्थिति मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उसके उपरांत DESI प्रोग्राम के उद्देश्यों व किसानों को होने वाले लाभों पर विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि राकेश ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान जिला के कृषि आदान व्यवसायियों को पंचायती राज संस्थाओं के होने वाले लाभों पर विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि राकेश ठाकुर ने उसके उपरांत DESI प्रोग्राम के उद्देश्यों व किसानों को होने वाले लाभों पर विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि राकेश ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान जिला के कृषि आदान व्यवसायियों को पंचायती राज संस्थाओं के महत्व व जिम्मेदारियों पर जोर डालते हुए कहा कि आधुनिक समाज के निर्माण में इन संस्थाओं का विशेष महत्व है। अब ग्रामीण स्तर की विकास योजनाओं का खाका पंचायत में ग्रामीणों के सहयोग से पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मौके पर ही तैयार किया जाता है ताकि हर स्तर पर जन सहभागिता बढ़े। हमारे भूजल के गिरते जल स्तर पर उन्होंने विशेष चिंता जाहिर की तथा कहा कि हमें जहां तक संभव हो सके जल संरक्षण के उपायों पर खास ध्यान देना होगा, अन्यथा भविष्य में बड़ी मुश्किलें पेश आएगी। उन्होंने कहा कि वे पंचायतों द्वारा विशेष कोरमों में जाकर इस डिप्लोमा कोर्स में सीखी हुई कृषि की आधुनिक तकनीक की जानकारी आम किसानों तक भी पहुंचाएं। सत्र के अंत में डॉक्टर प्रीतम चंद शर्मा ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का धन्यवाद किया। हमीरपुर जिले के गलोड़ पुलिस चौकी में स्थानीय दुकानदारों ने एक प्रवासी दुकानदार पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में कार्रवाई करने की मांग की है। यही नहीं, दर्जनों दुकानदारों ने पुलिस चौकी गलोड़ पहुंचकर नारेबाजी भी की। वहीं युवक को पकड़कर पुलिस चौकी गलोड़ भी लाया गया, जहां पर युवक ने भी आरोपों को माना है, जिस पर व्यापार मंडल के द्वारा आगामी 15 दिनों में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दुकानदार को सुनाया है। बता दें कि गलोड़ पुलिस चौकी में स्थिति उस समय तनावपूर्ण होगी जब स्थानीय व्यापार मंडल के 40 से 50 स्थानीय व्यापारियों ने चौकी के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। गत रात्रि गलोड़ बाजार में किराए की दुकान में चाइना मार्केट चलाने वाले एक युवा जाहिद रजा को कुछ लोगों ने एक सुनसान जगह पर चहलकदमी करते हुए देखा। जब उससे इन लोगों ने पूछताछ शुरू की तो ये युवा व्यापारी वहां से भागने लगा, मगर इन लोगों ने इसे पकड़ लिया। जब इसका फोन इन लोगों ने देखा तो उसमें स्थानीय कुछ महिलाओं की इसके साथ चैटिंग हो रही थी और कुछ फिक्सिंग चल रही थी। साथ ही महिलाओं को अश्लील सामग्री भी मोबाइल फोन में पाई गई है, जिसके कारण युवाओं ने सुबह ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के पास चले गए। व्यापार मंडल के प्रधान कमल सोनी ने बताया कि प्रवासी युवक को आगामी 15 दिनों में दुकान खाली करके जाने के लिए व्यापार मंडल ने अल्टीमेटम दिया है। सोनी ने कहा कि यहाँ का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, देवभूमि को भी शर्मशार नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय व्यापारी विशाल ने बताया कि प्रवासी युवक कई दिनों से शक के घेरे में चल रहा था और आज लोगों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंपा है। पुलिस चौकी के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने बताया कि वे चोरी के एक सिलसिले में अन्य अधिकारियों के साथ फील्ड में है, मगर उन्हें इस मामले की सूचना मिली है कि पुलिस ने इस मामले पर अपनी आगामी कार्यवाही जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। गलोड़ से एस टुडे के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अगार पंचायत में आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे जोगिंदर सिंह की मदद के लिए एक कदम परमाणु संस्था जिला सोलन ने अपने हाथ बढ़ाए हैं। जोगिंदर सिंह को एक कदम परमाणु संस्था ने 5,000 रूपए 1.5 महीने का राशन दिया। जोगिंदर सिंह की कमर वो हार्ड में ब्लॉकस आ गई है। ऑपरेशन के लिए लगभग 7 लाख रूपए का खर्चा आएगा। जोगिंदर सिंह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। बिना पैसे के 2 ऑपरेशन करवाना गरीब परिवार के लिए बड़ा कठिन है। जोगिंदर सिंह की पत्नी भी घर घर अखबार बेचने का काम करती है। ऐसे में अब जोगिंदर सिंह के परिवार की आस दानी सजनों पर टिकी हुई है। एक कदम
संस्था परमाणु के सदस्य राहुल ने बताया कि एक कदम टीम के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिनकी दी हुई राशि के कारण आज अग्घर के जोगिंदर सिंह की मदद कर पाया हूं और जोगिंदर सिंह की मदद के लिए और भी दानी सज्जन आगे आए ताकि जोगिंदर सिंह का सही समय पर इलाज हो सके। एक कदम संस्था परमाणु की तरफ से अंजलि व अंकार पंचायत के उप प्रधान भी मौके पर मौजूद थे। संस्था के मेंबर जो है अंजलि शर्मा जी आज मेरे साथ यहाँ पर आई हुई है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन भाई की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और जो भी भाई इनसे मिलना चाहता है या इनकी हेल्प करना चाहता है, मैं अकाउंट नंबर और इनका फ़ोन नंबर जो है साथ में अटैच कर दूँगा ताकि आप सभी इनकी हेल्प कर सकें।